नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में करेक्शन, अब सरकार कब लेगी एक्शन। जिस विभाग का जिम्मा सारे समाज की रक्षा का है, उस विभाग पर एक कॉरपोरेशन है जो अधोसंरक्षण कार्य का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निर्माण, छोटे एवं मध्यम पुलिस कर्मियों के आवास का निर्माण में हो रहा है भारी घोटाला। कोरोना की इस महामारी में जहां सरकार जनजीवन चलाने के लिए प्रयासरत है, जीवन दृष्टि में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन इन सब के बीच आश्चर्यजनक बात यह है कि अनेकों सरकारी विभाग हैं, वह अपने उसी रवैये पर और ढर्रे पर आज भी कायम है। कल का जीवन क्या होगा, इस भयावह संक्रमण की आशंका में जीवन के प्रति विरक्ति, एक श्रेष्ठतम कार्य करने की इच्छा जागृत होना होता भी है समाज में। लाखों लोग निकले, पुण्य के काम किए लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि लालच की पराकाष्ठा या सीमा इस स्थिति तक है कि सामने आ रही मौत भी मनुष्य का भाव नहीं बदलती। ऐसे अनेक जन सरोकार के विषय, सामाजिक सरोकार के विषय पर हमेशा संबंधित का पक्ष जानने की इच्छा रहती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकारी विभागों में, चाहे वो चिकित्सा का विभाग हो, चाहे शिक्षा का विभाग हो और चाहे कृषि का विभाग, सरकार की बहुत अच्छी नीयत होने के बाद भी यदि क्रियान्वयन एजेंसी कारिंदों की नीयत ठीक नहीं है तो परिणाम ठीक नहीं आते। और अब पूरे समाज का यह दायित्व है कि वह इन विषयों पर गंभीरता से संज्ञान ले, गहराई तक जाए और सच्चाई को सामने लाए। इस ऐसे विषयों को लेकर अनेक निर्माण विभाग हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, लेकिन सरकार के संज्ञान में लाने की जवाबदारी कारिंदे अपनी करतूतों की जानकारी कभी सरकार को नहीं देंगे। और जब कोई एक रैकेट जैसा बन जाता है सिस्टम, जिसमें सब एक दूसरे के कितने ही मतभेद हों, लेकिन हम यदि किसी विषय के लिए स्पष्टता के लिए अपेक्षा करेंगे तो सारे मतभेद बुलाकर एकजुट होते हैं। हाल ही में एक उदाहरण आया है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में करप्शन, अब सरकार कब लेगी एक्शन। जिस विभाग का जिम्मा सारे समाज की रक्षा का है, उस विभाग का एक कॉरपोरेशन है जो अधोसंरचना निर्माण का कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के निर्माण और विशेषतः छोटे और मध्यम पुलिस कर्मियों के आवास का निर्माण, कांस्टेबल और इनके विषयों में भारी विसंगतियां जब देखने में आई, चाहे विषय ग्वालियर का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे जबलपुर का हो, या इंदौर का हो, बालाघाट का हो, उज्जैन का हो, चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि डीआईजी भवन सागर, जिसमें तत्कालीन डीजी कमेंट्स कर रहे हैं कि पानी की फब्बारे और धाराओं की तरह छट टपक रही हैं, कोई एक्शन नहीं। फायरिंग रेंज धाराशाही हो गई जबलपुर की, कोई एक्शन नहीं। ग्वालियर का तो एक अलग ही बड़ा मामला है। इन सब विषयों पर जनता को निष्पक्षता से विषय प्रकाशित करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानना अथवा सूचना के अधिकार अंतर्गत अभिलेख प्राप्त करना, कोई जानकारी नहीं। किसी एक आध अधिकारी ने जानकारी दी तो वो भी तर्कसंगत आधारहीन। हम अपने विषयों को लेकर नीचे समाज तक जाते हैं और आग्रह करते हैं सभी मीडिया कर्मियों से, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रबुद्ध नागरिक, हमारे सुधी पाठक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, इन सबसे निकलवा के सर्वेक्षण से जो राय निकल कर आई कि अमूमन पुलिस और पुलिस विभाग आम आदमी दूर होता है और अपेक्षा करते ही नहीं कि वहां कुछ होगा। हम ही है तो पहले पेट्रोल कहां बनाते हैं, पुलिस पेट्रोल पंप पे,
मतलब एक आस्था और विश्वास का विषय रहता है। लेकिन वर्तमान प्रबंधन जो है, आश्चर्यजनक बात है, कोई विषय है निष्पक्षता से बताया जाना चाहिए। और स्थितियां ये है, क्योंकि नाम पुलिस का लगा है लेकिन प्रबंधन में शिखर पर हैं अधिकारी, लेकिन सारा अभियंताओं का खेल है। और विभाग के शीर्षस्थ अभियंता या प्रमुख अभियंता कहें, वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जीवन में कोई लोक सेवा आयोग किसी चयन परीक्षा को पास नहीं किया। अन्य भर्ती में सब क्लास टू असिस्टेंट इंजीनियर्स वगैरह प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर बैठे हुए हैं, और एक एक के पास कार्यभार लंबे क्षेत्र का और निरंतर दशकों से जमे हुए हैं। अभी तो निर्वाचन आयोग के संज्ञान में भी विषय को लाना होगा कि ऐसी स्थिति में एक प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये लोग चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दशकों से एक ही स्थान पर एक ही पदों पर जमे रहे, एक ही कार्यभार रहे, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक शक्ति और संपर्क इतने रहते हैं, इसी कारण जमे रहे। विभागों से प्रतिनियुक्ति पर 2-3 वर्ष के लिए आते हैं, दशक हो गए विभाग से प्रतिनियुक्ति पर, ऐसी कौन सी क्षमता योग्यता है? तो उनकी गुणात्मकता और क्षमता योग्यता के कार्यों का आकलन करने की दिशा में समय जगह समूह कार्य कर रहा है। हमारी अपेक्षा है, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, और चाहे कोई भी सरकार का ऐसा संवेदनशील विभाग हो, चिकित्सा स्वास्थ्य और कृषि तो प्राथमिकता में है, निष्पक्षता से विषयों को संज्ञान में लाएं। ऐसी नहीं कोई खबर जिससे हम हो बेखबर, हमारा उद्देश्य है। हम समाज से आग्रह करते हैं, इन सभी बंधुओं से आग्रह करते हैं कि पुलिस और प्रशासन के नाम से भयभीत न होते हुए जनता की रक्षा और सुरक्षा की और संवेदनशील प्रशासन की इनकी जवाबदारी है। यदि इनकी खामी है तो वह ज्यादा गंभीर दंडनीय अपराध है, क्योंकि शैतान शैतानी करेगा चलेगा, लेकिन साधु के वेश में शैतानी स्वीकार नहीं। धन्यवाद। और समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।